कोई कसर नहीं छोड़ी मुल्क का बेड़ा गर्क करने में। मार दे सारों को, जान से मार दे, किस्सा कहानी खत्म हो जाएगी। कहां से पूरा करें, इनकम वही है, खर्चे पे खर्चे बढ़े जा रहे हैं। जब रेट बढ़ा रहे हैं तो 10-10, 15-15 रेट बढ़ रहे हैं, जब कम करते हैं तो 2 रुपए, उसमें क्या फायदा हुआ हमें? अरे सियासतदान, सारी सियासी पार्टियां सब डीड हैं, सब खामोश तमाशाई बन के देख रही हैं और कोई आवाम के लिए सोचने वाला नहीं है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ जैस्मिन मंजूर और आप सब लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया इस खुसूसी प्रोग्राम में। आज जो हमें गेस्ट ज्वाइन कर रहे हैं, काफ़ी दूर दूर से आए हैं और अपना मौक़िफ़ बताएंगे। आप जानते हैं कि हाल ही में जो पेट्रोल की कीमतों में इजाफा किया गया है, वो पाकिस्तान की हिस्ट्री में इतना बड़ा इजाफा इससे पहले नहीं हुआ और इसी इजाफे की वजह से आवाम जो है वो ना सिर्फ बिलबिला उठती है बल्कि कराची ट्रांसपोर्टर्स इत्तेहाद और उसके साथ साथ कराची ट्रेडर्स वालों ने ये कहा है कि अगर इसमें कमी ना की गई और बेशतर ज़्यादा कमी ना की गई। हालांकि पीर के दिन जो हुकूमत पाकिस्तान है उसने पेट्रोल की कीमत में तकरीबन 2.5 रुपये के करीब, बल्कि 2.5 से ज़रा कम, 2 रुपये और 32 पैसा पर लीटर और डीजल में 1 रुपया और 16 पैसे पर लीटर की कमी की है। लेकिन उसके बावजूद इतनी शदीद जो महंगाई है उसमें इसका आवाम के ऊपर जो बोझ पड़ रहा है, आज उन्हीं से बात करेंगे और उनसे पूछेंगे। जो स्ट्राइक्स के हवाले से भी बात की जा रही है उसमें ट्रांसपोर्टर्स क्या करेंगे, कराची जो ताजर इत्तेहाद बरादरी है उन्होंने आज से हंगामी ऐलान ये किया था कि वो पूरे शहर में बल्कि यहाँ तक कह दिया था कि सिविल नाफरमानी करेंगे, लेकिन अभी उनकी शायद कुछ कमिश्नर से बातचीत चल रही है। तो इस वक्फे के बाद उनसे आपकी बात कराते हैं और थोड़ा लोगों का भी तासुर जानते हैं कि इस माहौल में अब पेट्रोल उनके लिए कितनी आसानी से उनको मिल सकता है या हमें मिल सकता है और क्या हम ये लॉन्ग टर्म अफोर्ड कर सकते हैं। नहीं, राइट आफ्टर दिस शॉर्ट ब्रेक। बहुत सारे लोग भी हमारे साथ खड़े हैं और आवाम क्या कहती है इस पर भी बात करेंगे। अतीक मीर साहब हमारे साथ यहाँ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम अतीक साहब, कैसे हैं आप? चेयरमैन ऑल कराची ताजर इत्तेहाद। अतीक मीर साहब, ये जो अभी आज तो आपने ये सोचा था कि आज से आप पूरी स्ट्राइक चलाएंगे, बल्कि आपने तो कहा कि सिविल नाफरमानी की स्ट्राइक चलाएंगे, फिर अचानक आपके कमिश्नर से कुछ बातचीत हुई, वो क्या बात हुई और पोस्टपोन क्यों की आपने? देखिए, ये एक वक्ती तौर पर पोस्टपोन किया क्योंकि कमिश्नर कराची ने कराची के हालात को मद्देनजर रखते हुए हमसे यही कहा कि इसको बतदरीज आगे बढ़ाएं, आप बजाय इसके कि आप एक बड़ी कॉल दें, क्योंकि सिविल नाफरमानी बहरहाल एक इंतहाई एक इकदाम है। क्योंकि हकीकत यह है कि हुकूमत ने अपने मैंडेट पे पेट्रोल छिड़क के आग लगा दी है और इस वक्त लोगों में हुकूमत के खिलाफ इस फैसले के बायस जितनी नफरत, जितनी तशवीश और जितने मुस्तकबिल के बारे में खदशात नजर आते हैं, तो हुकूमत समझ ले कि हुकूमत ने खुद सिविल नाफरमानी की ये एक तहरीक का आगाज किया है। इसलिए कि सिविल नाफरमानी हुकूमत की रिट को चैलेंज है, किस तरह लोग ट्रांसपोर्ट चला सकेंगे, किस तरह लोग फैक्ट्रियां चला सकेंगे, किस तरह गरीब आदमी सफर कर सकेगा। देखिए, जब हमारे पास यूटिलिटी के बिल्स की अदायगी के लिए गुंजाइश नहीं होगी तो लोग हक रखते हैं कि वो बिल ना दें। जब टैक्स कि जो पॉलिसीज़ हुकूमत लाई, लेकिन हमारी मईशत इतनी तबाह हो चुकी है कि आप हुकूमत को क्या मशवरा दें, कितनी कमी चाहते हैं आप? हुकूमत ने मुल्की तारीख का ये दूसरा इतना खतरनाक इकदाम किया है कि इससे कबल मुल्की तारीख में इतनी, ये सेकंड टाइम इतनी भारी शरह से ये पेट्रोल और गैस की कीमतों को बढ़ाया। कोई रास्ता नहीं है जैस्मीन, आप तवानाई के बगैर मुल्की मईशत तो सर्वाइव कर नहीं सकती। मुझे हुकूमत ये बताए कि तवानाई के तौर पे हम क्या इस्तेमाल करें। गाड़ियों में आप एक सस्ता ईंधन CNG लेकर आए थे, उसको पेट्रोल के बराबर ले आए, उसके बाद डीजल एक आम ट्रांसपोर्ट में एक सस्ता ईंधन था, उसको पेट्रोल के बराबर ले आए,
आप क्या चाहते हैं? हुकूमत का विल नहीं है कि आवाम को रिलीफ दे? लेकिन आपकी बातचीत चल रही है, हमें तिफिल तसलियां दी जा रही हैं। किसकी तरफ से तसलियां मिल रही हैं आपको? जाहिर है कि हुकूमती इदारे हैं। हम तो एक देखें इतनी तश्वीश इतना तैश रखते हैं कि हम हुकूमत के खिलाफ कल क्या आज बागी बगावत हम कर दें। किस किस्म की कि हम सड़कों पर आ जाएं? जिस तरह पंजाब में सरकारी गाड़ियों को आग लगाई जा रही है, सरकारी ऐवानों की तरफ लोग दौड़ रहे हैं। अगर भूख बढ़ेगी, बेरोजगारी बढ़ेगी, अगर लोगों को मुस्तकबिल का खौफ पड़ेगा, तो इसमें कोई कुछ देर नहीं लगेगी। आपके साथ ट्रांसपोर्टर्स वाले भी आए हैं? ट्रांसपोर्टर था जी, सलाम अलैकुम। आपने भी कॉल दी है तवाब साहब? जी 10 तारीख की कॉल दी है। क्या करेंगे? खड़ी करेंगे और क्या करेंगे? चला कितनी दिन खड़ी करेंगे? देखिए जी, ये तो हमारा एक दिन का इत्तेजाज जो है। और मेरे इन भाइयों से भी अपील है जो ताजर इस वक्त हमारे साथ खड़े हुए हैं, इनके साथ भी हमारी अपील है कि 10 तारीख को ये हमारा साथ दे। नहीं, ये तो कह रहे हैं अभी हमने पोस्टपोन किए। इन्होंने अपने उस पे पोस्टपोन किया है, तो इन्होंने आज से शुरू किया था या कल से शुरू किया था जी। लेकिन हम 10 तारीख के लिए इनको भी अपील करते हैं कि ये हमारा साथ दे। और हमारा कोई जाती मामला नहीं है इसमें, ये भी आवाम का मसला है। देखिए ये तो ताजर है ना, डीजल बढ़ा हुआ इनको क्या तकलीफ है? लेकिन इनको पता है कि डीजल पेट्रोल बढ़ने CNG बढ़ने से एक आम गरीब आदमी पर असरात पड़ गए। एक आम गरीब आदमी जो तो रोटी खाता है उस पर असरात पड़ गया। सिर्फ ट्रांसपोर्टर का मसला नहीं है ये एक ऐसी चीज़ है पेट्रोलियम मसनूआत, यहाँ तो बड़े से लेके छोटे तक सब पे। अभी जो कमी की है उससे कोई फर्क नहीं पड़ा? इससे क्या फर्क पड़ा? ये तो उनके मुंह में जीरा डालने वाली बात है, इससे क्या फर्क? ये तो बेवकूफ़ बनाने वाली बात है सारी। आपकी भी बातचीत हो रही है जिस नातीक में? नहीं, हमारे अभी तक कोई बातचीत नहीं हो रही और ना हम इस पर कोई बातचीत करेंगे जब तक ये अभी जो महंगाई इन्होंने की है जो अब इस वक्त बढ़ा है ये तमाम का तमाम वापस नहीं लेंगे हम इस पर। पूरे पूरे आप चाहते हैं वापस? लेकिन आप लोगों में यूनिटी भी तो नहीं है ना? आप कह रहे हैं हम करेंगे, वो बातचीत करेंगे, वो कह रहे हैं आप हमारे साथ मिलकर स्ट्राइक करें। 10 तारीख को हम भी इनके साथ मिलकर एहतजाज करेंगे और हम उसके लिए एक ऐसा लायामल तय कर रहे हैं कि अगर ये वाकई अपनी स्ट्राइक पे कायम रहते हैं, क्योंकि इनकी इनके जो तकाजे हैं, जो डिमांड्स हैं, वो जली हुई गाड़ियों के मुआवजे हैं। अच्छा, और वो अगर इनको अदा कर दिए जाएं तो आमतौर पर इनकी स्ट्राइक ख़त्म हो जाती हैं, या इन्हें ये इजाज़त मिल जाए कि ये पेट्रोल के या डीजल के फ़र्क से या CNG के फ़र्क से किराया बढ़ा दें तो ये बढ़ा देते हैं। लेकिन कराची में 3 लाख से ज़्यादा मजदूर पैदल चलने में मजबूर है, क्योंकि देखिए बसों के किराए भी इतने ज्यादा हो गए हैं कि एक 5,000 महीना तनख्वाह का जो मजदूर है वो 2 तरफ का बस में सफर नहीं कर सकता। हम इनसे भी अपील करते हैं कि ये सिर्फ एक ही तकाजा रखें और वो तकाजा ये हो कि हमें ये तमाम जितनी ये इजाफा है मुकम्मल तौर पे खत्म किया जाए, इस पर ये कायम रहे। हम इनके साथ हैं, कदम ब कदम इनके साथ हैं। वो क्या से आपकी ये डिमांड्स भी हैं कि जो बसें चलाई गई हैं उसका मुआवजा भी दिया जाए? तो वो तो हमारा राइट बनता है। नहीं, वो राइट तो आपका बनता है, लेकिन ड्राइवर शहीद हुए हैं वो एक अलग चीज़ है। लेकिन इस वक्त हमारा जो हड़ताल की कॉल है वो सिर्फ और सिर्फ इस महंगाई के ऊपर है जो अभी हाल ही में CNG और पेट्रोल डीजल। आवाम कुछ कहना चाहती है, आप कुछ कहना चाहेंगी? महंगाई खाली पेट्रोल और CNG पे नहीं है, महंगाई तो आप गरीब दाल भी नहीं खा सकता, गरीब दाल भी नहीं खा सकता। अब तो इस हुकूमत को जाना चाहिए। रोटी कपड़ा मकान का वादा करने वालों ने क्या दिया? रोटी के बदले गोली, कपड़े के बदले कफन और मकान के बदले कब्र दिए। यहाँ बच्चे निकल भी नहीं सकते, बच्चे निकल नहीं सकते, माएं इंतजार करते हैं कि हमारे बच्चे कब आएंगे, कब घर पे आएंगे, ये हालात हो गए। अब तो हुकूमत से हमारी दरखास्त है कि आप खुदारा हम हाथ जोड़ के कहते हैं कि अब चले जाओ यहाँ से। और ताजर बिरादरी से मैं अपील करती हूँ कि हम सब आवाम इनके साथ हैं, हम सब निकलेंगे रोडों पे। अब रोडों पे निकलो। और मुशर्रफ का दौर इससे अच्छा था। मुशर्रफ को आज लोग याद कर रहे हैं कि मुशर्रफ के दौर में। लेकिन मुझे ये बताएं, आप कह रही हैं लोग रोडों पे निकलेंगे, रोड लोगों पे आएंगे, अरे मुझे तो नहीं लगता कि आवाम रोडों पे कहीं है या कहीं एहतजाज कर रही है। और इस हुकूमत को जरा भी शर्म होगी ना, जरा भी इनको शर्म होगी और खुदा का खौफ होगा तो अब बस करे, अब निकल जाए, अब यहाँ से चले जाएंगे। जर्दारी नहीं चाहिए हमको, अब जर्दारी नहीं चाहिए, नहीं चाहिए हमें जर्दारी। एक तरफ आप कहते हैं जमहूरियत चाहिए, जब
जमहूरियत आती है, जमहूरियत नहीं है, बहुत से जमहूरियत होती है जी। इनकी सोच आमिराना है, ये जमहूरियत अपने को कहते हैं, इनकी सोच आमिर, वो आमिर अच्छा था जिसकी सोच जमहूरी थी, जिसने आवाम को रिलीफ दिया हुआ था। इस वक्त चीनी घी तेल हर चीज का भाव आप देख ले, उस वक्त से जनरल साहब के जमाने से और इस वक्त कंपेयर करें, कौन सा अच्छा जमाना था उसका? डिक्टेटर का जमाना अच्छा था, ये जमाना अच्छा था? हमें तो डिक्टेटर चाहिए जिसका, जिसके जमाने में हम रोटी सही से खाते थे, हमारे बच्चे सुकून से बाहर जाते थे और बाहर घर में आते थे। अभी हमें बिल्कुल यकीन नहीं होता कि हमारे बच्चे घर बाहर गए हैं तो वापस भी आएंगे कि नहीं आएंगे। हम इतने इस हालत में रह रहे हैं कि हमें बिल्कुल जो है ना जी, आपको बिल्कुल भरोसा नहीं, हुकूमत पर भरोसा नहीं है। आवाम जाहिर सी बात है कि महंगाई के बोझ तले पिसी चली जा रही है, तो ये उनके सेंटिमेंट्स हैं नाजरीन। ये हम नहीं कहते कि मेजॉरिटी के सेंटिमेंट्स से होंगे, लेकिन बहरहाल जो लोग हमारे साथ यहाँ मौजूद हैं और खुद से ही आए हैं, इनके अपने व्यूज हैं। आप कुछ कहना चाह रहे हैं? भी आपने भी कहा कि आवाम जमहूरियत और आमिरियत में फ़र्क महसूस करती है, और जमहूरियत आती है तो आवाम आमिर दौर की बात करती है, आमिराना दौर आता है तो जमहूरियत की। मैं आपको बताऊं कि आवाम को 18वीं तरमीम, 29वीं तरमीम, 20वीं तरमीम से कोई ताल्लुक नहीं, कोई वास्ता नहीं। आवाम रिलीफ चाहती है, आवाम को रोज़गार चाहिए, अमन अमान चाहिए, इंसाफ चाहिए। इस किस्म के कोसले, एक तो हुकूमत की तरफ से 8 रुपये 7 रुपये बढ़ा दिए जाते हैं, हमारी सियासी पार्टियां मसलियत पसंदी का शिकार है। एक कमेटी बन जाती है, कहते हैं कि भाई आइंदा इसका फैसला होगा, वो 6 रुपये बढ़ गए, कमेटी खामोश, सियासी पार्टियां खामोश रही। आज 8 रुपये हो गए, सियासी पार्टियों ने एहतजाज किया, सिर्फ अखबारी इतना अखबार तक या टीवी तक टोकन वॉकआउट, कोई किस्म का बाकायदा इन्होंने एहतजाज नहीं जी, किया जी, मैं जिस मामले पे आवाम इनके साथ। ओके जी, आप कुछ कहना चाहेंगे? मेरे वालेकुम अस्सलाम, मंजूर है जी जी। मैं इन सब हजरात से एक सवाल करना चाहता हूँ। अच्छा, अगर गवर्नमेंट को इम्प्लीमेंटेशन लाती है जी, इम्प्लीमेंटेशन लाती है तो उस पर अमल क्यों नहीं होता? हुकूमत ने टाइमिंग करी हुई 8 बजे की मार्केटों की, हाँ। मार्केटें बंद होती हैं 10 बजे, हाँ। 2 घंटे हम लोग यहाँ फ्यूल जाया करते हैं, अगर हम लोग सब जिम्मेदार हैं इसमें, बिल्कुल बिजली जाया होती है, हर चीज होती है, महंगाई महंगाई के ऊपर जब भी कंट्रोल हो सकता है जब हम सब मिलकर इस चीज को अमल करें। 8 बजे का टाइमिंग है, 10 बजे मार्केटें बंद होती है, दुनिया के अंदर कोई कानून नहीं है कि 10 बजे मार्केटें बंद हो। आप चाहते हैं मार्केट बंद हो? मैं कह रहा हूँ ये, मैं एक आम आदमी आपसे एक सवाल और मेरा ये जवाब दें ये लोग कि अगर 9 बजे मार्केटें खुले, शाम को 7 बजे बंद करें, हम 5 घंटे की लाइट्स को सेव कर सकते हैं, महंगाई को कंट्रोल कर सकते हैं, पर इस पे इम्प्लीमेंटेशन कोई नहीं करता, कोई ताजर बरादरी बाहर निकलती, लेबर एक्ट पे कोई बात नहीं करता। आपने 6-6 घंटे पूरी दुनिया में 6-6 दिन कहीं हड़तालें नहीं होती, पूरी दुनिया में 6-6 दिन कारोबार बंद नहीं होते, 15 दिन में हमें 6 दिन कारोबार बंद करना पड़ता है, तो किस तरह हम और जब बंद चले सर, ये स्ट्राइकों से पहले और हमने बार बार हमने बार बार गवर्नमेंट को इस तरह इशारा दिया है कि आप ये जैसे इन्होंने पेट्रोल पे एक बम मारा आवाम पे, ये दब के मरे। हमने कहा कि एग्रीकल्चर पे आप टैक्स क्यों नहीं लगाते, एग्रीकल्चर पे टैक्स लगाएं, जागीरदारों और वडोरों से टैक्स वसूल करके आप अपने खजाने भरें, ना कि आवाम पे बोझ डाल के अपने खजाने भरें।